मेरे सामने चेकिंग की गई, मैंने खुद ने चेकिंग की। इसके लिए मैं किसी को दोष भी नहीं दे सकता कि मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने या मेरे जो स्टाफ वर्कर है उन्होंने कहीं गलती की होगी चेकिंग में। कोई फिल्म देखने को जाना ये कोई बुरी बात नहीं है, मगर वहाँ पे बेकायदेशीर काम करना ये एकदम गलत बात है। सब ने हमारा स्टाफ अपने सिक्योरिटी गार्ड हम लोग हमेशा लाते हैं, उनके सहारे से उनके सपोर्ट से हम लोगों ने पूरा चेकिंग किया। करीबन 11:15-11:30 हम लोगों को फटाके की आवाज़ सुनाई थी अंदर से। हमारा स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड जितने थे सब हम लोग अंदर गए, हम लोगों ने देखा कि भाई फटाका फूट चुका है पूरा। इतना चेकिंग के बावजूद भी कैसे दो चार लोग बोलो, पाँच लोग बोलो, कैसे कुछ ले जाने में कामयाब हुए, इसका जवाब मेरे पास खुद के पास नहीं, क्योंकि मेरे सामने चेकिंग की गई, मैंने खुद ने चेकिंग की। इसके लिए मैं किसी को दोष भी नहीं दे सकता कि मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने या मेरे जो स्टाफ वर्कर है उन्होंने कहीं गलती की होगी चेकिंग में। लेकिन बोलते हैं ना, कोई होशियार होगा बस बराबर आइडिया से लेके गए। लेकिन फोड़ने के बाद जैसे ही मैंने सबसे विनंती की कि प्लीज आप, और फोड़ने के बाद ना कोई उठा ना कुछ, आराम से सब बैठे थे। सबको पता था कि एंजॉयमेंट के लिए लगाया है, वहीं के वहीं सब बैठे थे। उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट को मान दिया, उसके बाद उन्होंने एक भी फटाका नहीं फोड़ा, पीछे छुटने लगे। कोई फिल्म देखने को जाना ये कोई बुरी बात नहीं है, मगर वहां पे बेकायदेशीर काम करना ये एकदम गलत बात है, उसमें कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। उसके लिए हम पुलिस की तरफ से ये अपील करते हैं, ऐसी कृति कोई भी प्रेक्षक ना करे, उनके खिलाफ आगे भी कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाएगी। और तो और जो मोहन थिएटर है उनको भी पुलिस स्टेशन की तरफ से नोटिस देकर जो भी एहतियातन चीज़ें करना ज़रूरी है वो भी हम करने के लिए उनको सुझाव कर रहे हैं।